हेलो एवरीवन, मैं हूं त्रिशा और आप सबका स्वागत है फूडी में। आज हम बनाने जा रहे हैं रसगुल्ले और रसगुल्ला, जो कि बंगालियों का एक फेवरेट और फेमस स्वीट डिश है। तो चलिए, मेरा भी बहुत फेवरेट है ये डिश, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं रसगुल्ले। इसके लिए हमें चाहिए दूध, चीनी, नींबू का रस, पानी, केसर। पहले एक सॉस पैन ले लें, अभी दूध डाल दें, अभी दूध को थोड़ा बॉईल होने दीजिए। आप देख सकते हैं दूध बॉईल हो चुका है, इसलिए इस पे अभी नींबू का रस डाल दें। गैस को थोड़ा बढ़ा दें, बॉईल करें, इसको इसी तरह से मिक्स कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि दूध फट चुका है और छेना और पानी जो है वो अलग हो चुका है। तो हमारा छेना तैयार है, अभी हम एक कॉटन के कपड़े में छेने को छान लेंगे। अभी इसको अच्छी तरह से मोड़ के अच्छे से स्क्वीज करें ताकि पानी अलग हो जाए। अभी इसको थोड़ा सा पानी से धो लीजिए ताकि नींबू का जो खट्टापन है वो चला जाए। अभी इसको थोड़ा सा और स्क्वीज कर दें अच्छे से और इसको किसी जगह हैंग कर दीजिए। अभी इसको एक प्लेट में ले लें, अभी इसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। 10 से 12 मिनट तक इसको मैश करें अच्छे से ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जितना आप इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे उतना ही ये सॉफ्ट होगा। इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें इसी तरह से। अभी एक पैन ले लीजिए, अभी इस पे 2 कप चीनी डाल दें, अभी इस पे 3 कप पानी ऐड करेंगे। आप अगर 2 कप चीनी ले रहे हो तो पानी 3 कप लीजिएगा। याद रखिएगा कि 2:3 होना चाहिए रेशियो चीनी और पानी का। अभी इसे अच्छे से बॉईल होने दीजिए। आप देख सकते हैं बॉईल हो रहा है, अभी हम इस पे छेने के बॉल्स ऐड करेंगे। अभी इसको थोड़ी देर पकने दीजिए ताकि ये बॉल्स अच्छे से सिरप को सोक कर ले। आप देख सकते हैं छेने के जो बॉल्स थे वो डबल हो चुके हैं साइज में, इसका मतलब हमारा जो रसगुल्ला है वो तैयार हो चुका है। अब गैस को बंद कर दें। अब हमारा मजेदार रसगुल्ला तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़े से केसर डाल के गार्निश करें। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें, गर्मा गर्म इसका मज़ा बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन आप अगर चाहे तो इसको ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। तो आप सब देख लिए कैसे बनाते हैं रसगुल्ले, तो ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कमेंट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें।